हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनी सोनी ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी कि आप हरी मेथी को किस तरीके से साफ कर सकते हो। जो लोग घर में अकेले रहते हैं, जो लड़कियाँ न्यूली मैरिड हैं, तो न्यूली मैरिड गर्ल्स को ये मेथी वगैरह साफ करना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी अभी सीखा है क्योंकि मेरी शादी भी अभी हुई है। तो वैसे तो जब मैं अपनी सासू माँ जी के साथ में रहती थी तो वो सब कुछ साफ करके दे दिया करती थी, बट अब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तो सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरीके से साफ करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें यहाँ चाहिए मेथी, ये इस तरीके का एक बंडल आता है मार्केट से, तो मुझे मेरे लिए एक ही बंडल काफ़ी है यहाँ पर। तो मेथी एक प्लेट चाहिए, एक न्यूज़पेपर चाहिए। न्यूज़पेपर मैंने यहाँ इस मेथी के कचड़े को निकाल के रखने के लिए लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस न्यूज़पेपर को मैं ओपन कर लेती हूँ। ये हाथ में थोड़ा सा कचड़ा भी था। इस मेथी में बीच में एक रस्सी दी होती है, पहले आप इसको आराम से कट कर लीजिए। ध्यान रखें कि इसे कट करते टाइम अपने हाथों को थोड़ा दूर ही रखें। अब मैंने इसे कट कर लिया है, मेथी काफ़ी सारी निकल आई है इसके अंदर। अब मुझे इसको साफ करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरीके से हम क्लीन करते हैं। हम इस मेथी में बस ये जो मेथी है इसको हम इतना ही लेंगे, इसकी लीफ लेनी है हमें। ये हम इसकी डंडी को नहीं लेते हैं क्योंकि ये डंडी थोड़ी हार्ड भी है और डंडी को नहीं खाते हैं हम लोग सब्जी में। हम लीफ से ही मेथी की सब्जी बनाते हैं। आप मेथी की सब्जी से मेथी की सब्जी और मेथी का पराठा, मेथी का रायता और बहुत कुछ, मेथी की भुजी, बहुत कुछ बना सकते हो। तो आप पहले इसको साफ कर लें, उसके बाद में ही सब कुछ बना लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको साफ करना। सबसे पहले इतना पोर्शन लेना है, कूड़े को हम न्यूज़पेपर पर फेंक देंगे। न्यूज़पेपर के एक साइड में मैंने मेथी को रखा है और एक साइड कूड़े को। आगे यही प्रोसेस फॉलो करते हुए जाएंगे हम लोग आगे, और इसी तरीके से हम सारी मेथी को साफ कर देंगे। याद रखें कि हमें ये डंडी नहीं लेनी है, ये हमारे लिए वेस्ट है। हमें बस इसकी मेथी ही निकालनी है, जो इसकी लीफ है बस ये, क्योंकि हम लोग खाने के लिए इनका ही यूज़ करते हैं। धीरे धीरे आसान तरीके से मेथी आपकी साफ हो जाएगी। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। धीरे धीरे आप ऐसे निकालते जाइए और हमारी पूरी मेथी साफ हो जाएगी। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मेथी को किस तरीके से कट करना है। चलिए अब इसको मैं साफ कर लेती हूँ। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतनी मेहनत क्यों करें जब मार्केट में हमें साफ साफ मेथी मिल रही है और वहाँ पर मेथी को वो लोग काट के भी देते हैं आजकल। तो अगर आप उस तरीके की मेथी खाना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपको यही बोलूँगी कि आप वो वाली मेथी ना खाएं, क्योंकि वो लोग जो आपको मेथी के साथ में पता नहीं क्या क्या कट करके दे देते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं। हम देख के तो उनको मेथी ही देते हैं कि आप प्लीज़ इसको कट कर दो, बट वो उस मेथी को साफ़ नहीं करते। और जिस तरीके से मैंने इस बंडल को खोला तो देखिए इसमें भी एक घास वगैरह निकली है, तो उसमें भी होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होती। वो एकदम आपको क्लीन करके देंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए इतना टाइम अपना वेस्ट करके आपको मेथी साफ करके फिर उसको कट करके दे। तो वो लोग आपको ये घास वगैरह भी कट करके दे देते हैं जिसको आप आराम से लाके बना के खा लेते हो। तो वो मेथी नहीं खानी चाहिए, आप हमेशा साबुत मेथी लेके आए वहाँ से ना कटवाएं, और घर पर आके इजीली साफ करें। थोड़ा टाइम लगता है इसमें मुझे पता है, बट आप मेथी जिस दिन बनाओ उससे एक दिन पहले ही मेथी को मार्केट से खरीद के लेके आओ
और उसको आप आराम से अपने फ्री टाइम में धूप में बैठ के, क्योंकि ये विंटर टाइम में ही आती है, तो आप इसको धूप में बैठ के आराम से बना सकते हो, इस तरीके से साफ कर सकते हो। और खाना बनाने से पहले इसको आप क्लीन कर लीजिए और फिर अपने खाने वाले टाइम को भी थोड़ा सा सेव कर लीजिए। इसमें आपको जो भी मिलाना है, आलू दाल वगैरह, आप कुछ भी मिला सकते हो। और आराम से देखिए इसमें कितनी घास है, इसमें घास भी है। मुझे लग रहा था ये एकदम क्लीन और साफ होगी, बट ऐसा नहीं है। कोई मेथी इतनी क्लीन नहीं होती। जब किसान अपने, मेरी मेथी एकदम क्लीन हो चुकी है, सारी लीफ मैंने निकाल ली है। और ये यहाँ इसका कूड़ा कितना सारा है, इतना सारा कूड़ा अगर आप इसको मार्केट से कटवाते तो ये भी आपके पेट में जाता, ये भी आपको खाना पड़ता, ये आपको फ्री में मिलता उसके साथ में, और आप सब्जियों में इसको बना भी लेते। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, घर पर ही आके मेथी को साफ करें अपने। मेथी को कट करने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है मेथी, एक बर्तन और नाइफ। चलिए इसको आप कट करते हैं। इसके लिए आप इतनी थोड़ी थोड़ी मेथी ले लीजिएगा अपने हाथ में, जितने आपके हाथ में आराम से आ जाए। और सबसे पहले इस तरीके से कट करिए, बहुत छोटा छोटा कट करना है, जैसे कि आपकी सब्जी में ये मोटी मोटी ना दिखाई दे। बहुत ही छोटा छोटा इस तरीके से कट करना है, कट करते जाइए। और अपने हाथ को बचाना है, ये नहीं कि आप मेथी के साथ में अपना हाथ भी कट कर लें। आराम से छोटे 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 छोटा कट करते जाइए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये मेथी सूखी भी होती है, और वैसे तो ये ग्रीन है बट थोड़ा सा इसमें टाइम। अगर आप मेथी को नाइफ से कट नहीं कर पा रहे हैं पकड़ कर, तो आप इसको चॉपिंग बोर्ड की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया है एक चॉपिंग बोर्ड। यहाँ अपनी मेथी को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से इसको धीरे धीरे कट करते जाएंगे। ये मेथी को काटने का दूसरा तरीका है, तो आप इसको इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। कट रही है ना हमारी मेथी इतने आराम से और इजी तरीके से। हमारी मेथी कट की एकदम तैयार है, देखिए कितनी महीन मेथी कट हुई है। उम्मीद करती हूँ आप भी आज मेथी कट करना सीख गए होंगे मेरे साथ में। अब आगे से आप मेथी को मार्केट से ना कटवाएं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय।